हेलो एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अमर नकवी, मैं साद उस्मान समीर दीन। हमारी बड़ी ख्वाहिशात थी कि जब भी वर्ल्ड कप वगैरह आता है तो बट्टा फास्ट की व्यू काउंट भी बढ़ जाती है, रेवेन्यूज में भी चंद ठनियाँ चवन्नियाँ ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, मगर पाकिस्तान टीम ने इस ख्वाब के ऊपर काफी कुछ फेरा है। उन्होंने अपने पैसे कमा लिए। ये वाकई में मेरी नोट्स निकल रहे हैं, यही नोट्स हैं जो तो अब क्योंकि पाकिस्तान अब टूर्नामेंट से बाहर है तो जो जो हमारा मेन रेवेन्यू सोर्स था वो भी तबाह हो चुकी है। बट या जस्ट एपिसोड 3 ऑफ दिस वर्ल्ड कप हियर। कितने हमारे ख्वाब थे कि यार सुपर एट प्रीव्यू करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे यार सेमीफाइनल का भी देखा जाएगा, टाइमिंग अपनी सेट करेंगे, फिर टीवी पे भी शो कर लेंगे, सब सब ख्वाब हमारे। बट या पाकिस्तान ना ही सिर्फ टूर्नामेंट से बाहर हो गया बल्कि कल ये लग रहा था कि एटलीस्ट वो गुस्सा आ रहा था कि यार देखो ये इतना इन्होंने बाकी टीमों को पेल सकते हैं तो क्यों इतना खराब खेला। बट फिर एक दफा फिर खासतौर पे पाकिस्तानी बैटिंग ने याद दिलाया कि ये टीम कितनी बुरे हालत में है। आयरलैंड से भी अल्लाह अल्लाह करके बहुत मुश्किलों से एक नहायत ही पॉल्ट्री टोटल को चेज किया पाकिस्तान ने। तो लॉट्स टू डिस्कस उस्मान, लेट्स स्टार्ट विद बाबर आजम, क्योंकि एक तो के कुछ लोगों को ये फीलिंग हमेशा होती है कि उनके फेवरेट प्लेयर के खिलाफ बोला जा रहा है ये वो फलाना था ना, बट आई फील देयर इज सो मच टू ब्लेम इन दिस कि आई वांट टू गेट बाबर आउट ऑफ द वे फर्स्ट। सो या सो बाबर के ऊपर ऑब्वियसली स्पेकुलेशन शुरू हो गई है, यू नो अबाउट हिज कैप्टनसी, व्हेदर ही विल रिमेन एज कैप्टन एंड व्हाट नॉट। अभी जो लेटेस्ट इतला आई है मुझे लाइक लिटरली लाइक मे बी एन आवर अगो is that I think immediate term mein he's probably safe unless he wants to resign himself. Jis tarah se Babar ne kal press conference mein baatein kari hain apni kaptani ke bare mein ke usne kaha basically ke bhai ye to PCB ki decision hai, ye maine pichli baar kaptani chhodi thi, jo ke officially aur publicly jo narrative jo statements aayi thi uske lihaz se wo sahi hai, theek hai, he's accurate ki usne kaptani chhodi thi, but it was one of those ke agar tum chhodoge nahi to phir hum, so you know it wasn't like it was in his hands completely, thoda sa disingenuous ho raha tha, lekin usne kaha ke main mere abhi to koi plan nahi chhodne ke, magar usse ek din pehle jo Imad Wasim ne mashallah puri Pakistan cricket ko jo tamasha mara hai us pe bhi thodi nazar rakhni chahiye, jis tarah se he called a spade and called out everyone ke bhai we are playing, you know, we are kind of paralyzed by the fear of failure or ekdam modern mindset nahi hai. So you know ye surat hal hai, abhi jo ek jo latest surat hal ho gayi hai na wo hum log aaj hi pehle discuss kar rahe the, wo ye hai ki ab jo Babar Azam se log jo ladaiyan pick kar rahe hain wo kai, you know, ek zamana tha jab log kehte the yaar Babar Azam ye aur Virat Kohli ये थे एकदम, ये थे विराट कोहली और बाबर आजम एकदम ऐसे, और अब जो लड़ाई अब जो कंपैरिजन हो रहे हैं वो अब यह जो सूरत हाल है वो ये है कि मौलाना सेल्फी टीवी पे आके 6-6 मिनट का हॉट टेक, क्या कहते हैं, विप डाउन बीटिंग डाउन देते हैं, डिलीवर करते हैं बाबर आजम की, जिसमें वो कहते हैं कि आप ये स्टैट्स देखें, मेरे स्टैट्स देखें आप T20 टूर्नामेंट्स फॉर पाकिस्तान के और वो बाबर आजम के स्टैट्स से बेहतर है, तो ये क्या रोल आप लोगों ने मचाया है कि बाबर आजम, तो अब ये लेवल हो गया है, ये नैरेटिव हो गया कि अब सेल्फी से लड़ाइयां हो रही हैं, जहां एक वक्त आपकी कोहली से सोशल मीडिया पे प्यार हो रहा था और शर्ट्स एक्सचेंज हो रही थी, अब ये दो टूर्नामेंट्स के अंदर अंदर, दो नहीं तीन मैं कहूंगा, एशिया कप वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप, तीन टूर्नामेंट्स के अंदर अंदर यानी एकदम ही बस आप कहां विराट कोहली नाज़रीन को ये भी बताते चले कि अहमद शहजाद ने जब ये इनकी वायरल गई उसके अगले दिन ही ये भी बात साबित हो गई थी कि ना ही सिर्फ वो स्टैट्स गलत बता रहे थे बगैर उन्होंने पेड अकाउंट से भी चलवाई थी कैंपेन, जो उसी शो के होस्ट थे उन्हें कन्फ्रंट भी किया, उन्होंने उसकी बात मान भी ली, मगर तो बट आई थिंक जो उस्मान का पॉइंट यहाँ अहम है कि बात ये नहीं कि अहमद शहजाद सच कह रहा है गलत है, बात ये है कि अहमद शहजाद तक बात आ चुकी है,
That ये जस्ट टू क्लैरिफाई, क्योंकि आई नो पीपल विल जंप ऑन अस, पीपल विल जंप ऑन अस, बट जस्ट टू क्लैरिफाई, कोई कंपैरिजन नहीं है. बाबर आजम डॉन ब्रैडमैन है और एम एस शहजाद है. ठीक है, ये कंपैरिजन का लेवल. आई एम नॉट किडिंग, लाइक आसमान जमीन का फर्क है उन दोनों की बैटिंग में. बाबर आजम इज अ फार फार ग्रेटर क्रिकेटर एंड बैटर देन एम एस शहजाद विल एवर बी. आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट अबाउट दैट. ही इज ऑल्सो नॉट एज टॉक्सिक अ पर्सनैलिटी एज सेल्फी एट हिज पीक एवर वॉज. बट यही जो एडमंड ने बोला ना कि बात अब ये हो गई है कि अहमद शहजाद की इतनी राइचियस फ्यूरी निकल रही है बाबर आजम पे कि आप उससे पूरे पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, पावर क्राइसिस सॉल्व कर सकते हैं. इतनी उसकी पावरफुल निकल रही है ना फ्यूरी, जो राइचियस फ्यूरी है, वो पूरा पाकिस्तान केसी को हटाए, आप वापडा को खत्म करें, वो सब अहमद शहजाद की राइचियस फ्यूरी. कि बाबर आजम कौन सा बैट्समैन आ गया, मैं हूं बैटर, मेरा आप रिकॉर्ड देख लीजिए. वो 6 मिनट अहमद, 6 मिनट उसका ये क्लिप्स बाजाबता वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे. यानी क्या हाल हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट का कि बाबर आजम इज बीइंग गिवन द बीट डाउन बाय अहमद. लाइक आई स्टिल इट, या आई कांट कंप्यूट. तो एक तरफ आई थिंक जो अहमद शहजाद वाली बात तुमने वो करी थी, जो ज्यादा आई थिंक रेलिवेंट आल्सो कि इमाद वसीम का जो प्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें उसने ये बात की है किसी के नाम लिए बगैर कि देखें हम लोग ना बड़े डर खौफ से के साथ खेल रहे हैं और हम लोग को हारने का बड़ा डर लग रहा है, इसलिए हम लोग अच्छा नहीं खेल रहे. सो ही बेसिकली इज क्रिटिसाइजिंग योर अप्रोच. और उसने बात की भी है कि कुछ ही साल पहले तक हम लोग T20 की बेस्ट टीम थे, तो अब हम पीछे रह गए. और यू नो सो ही सीम टू बी टॉकिंग अ लॉट ऑफ दैट इन टर्म्स ऑफ द अप्रोच दैट द टीम इज टेकिंग. Yeah. उसी से कुछ अभी हाल ही में गैरी कर्स्टन के नाम पे कुछ अन्य नेम्ड कोर्ट्स आए हैं और सोर्सेस आई हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी डिस्कस. बहुत ही हेविली बायस्ड किस्म की कि जी गैरी कर्स्टन ने सर पकड़ दिया और कहा तुम लोग जब चाहता नहीं हो, लाइक जो टोन उसमें आई है ना गैरी कर्स्टन की, वो बिल्कुल भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बिल्कुल भी नहीं है. बट जब गैरी कर्स्टन ने ऑन द रिकॉर्ड बात की है, तो उसने भी ये बात की है कि भाई आप देख सकते हैं कि दुनिया का मैार कहाँ है, और अगर आपका मैार वहां नहीं है तो आपके ऊपर है कि आप अपने आप को बेहतर करें या नहीं. राइट, सो वंस अगेन ही इज कॉलिंग आउट अप्रोच ऑफ द टीम. राइट, नो वन नाइदर ऑफ दीज टू पीपल किसी को भी नाम लेके नहीं बोलते, मगर ये मेरा भी एक तरीके से आई थिंक जो मुद्दा यही है कि बाबर आजम बैटर अपनी जगह आप रखे, बट बाबर आजम एज अ कैप्टन हैज रिपीटेडली शोन इश्यूज, यू नो. और ये बात आप सिर्फ इंटरनेशनल कैप्टनसी में नहीं, यू कैन सी दैट इन हिज PSL कैप्टनसी एज वेल. बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा सेट इन हिज आइडियाज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है. यू नो कि अगर आपके पास सिचुएशन है वेयर हिज बॉलर्स हैव डन वेल एंड हिज बॉलर्स आर वेरी गुड एंड डोंट नीड टू बी मैनेज्ड, दे डू वेल, then the batting has like kya kehte hain any task is there. Babar Azam the batter I still think is extremely 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 good, somebody that you can build the side around. Magar meri isliye nazar mein baat ki hai, meri kisi aur se bhi behas ho rahi thi ki I don't think this is a team jiske khiladiyon ko aapko badalne ki zarurat hai ki uske, aur maybe Imad Wasim ye kehta, par mere khayal mein abhi bhi Pakistan ke paas aise khiladi hain jo kisi aur surat hal mein can be the world champion T20 side. अगर मसला यही आता है कि जो मुझे जो मेरा मसला था, और अब मुझे इमाद वसीम और गैरी कर्स्टन में की बातों में भी यही दिखाई दे रहा है, मे बी समवन एल्स हैज अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, कि आपकी अप्रोच आपकी टैक्टिक्स जो है वो बहुत पीछे ज्यादा रह चुके हैं, आप जिस तरीके से खेल रहे हैं वो बिल्कुल मॉडर्न नहीं है. एंड इवन विद मोर लेस द सेम प्लेयर्स यू कैन बिल्ड अ रियली गुड साइड. द फाइनल थिंग उसमें रिजवान और बाबर के ऊपर जो मेरे लिए वो आती है कि रिजवान और बाबर आपके खिलाड़ी हैं जिनकी T20 मार्केट में ग्लोबल जो फ्रेंचाइजेस हैं उनमें इतनी वैल्यू नहीं है जितनी उनको इज्जत मिलती है पाकिस्तानी टीम में. लाइक यू नो देर अनटचेबल्स एट द टॉप, बट दैट्स नॉट वॉट द मार्केट इज से. अब मेरे ख्याल में वही कि यू नो 2-3 साल पहले तक आपके पास सरफराज की कप्तानी से लेके 2 साल पहले तक यू हैड रियली रियली गुड प्लेयर्स हु न्यू देयर काइंड ऑफ रोल, एंड पाकिस्तान वाज प्रेडिक्टेबल इन द सेंस इट वाज गुड एट चेजिंग, इट ऑफन डिड नो अ गुड टोटल टू सेट फर्स्ट, इट्स बॉलर्स वर प्रीटी गुड मोस्ट ऑफ द टाइम.
वो फॉर्मूला जब उसको थोड़ा सा इवॉल्व करने का वक्त आया है, तो वहां मेरी नजर में बाबर आजम की कप्तानी की वीकनेस दिखाई दी है, क्योंकि एक तरीके में कुछ और रन बनते तो ही वुड हैव बीन द ओनली कैप्टन टू हैव बीटन इंडिया ट्वाइस एट एन आईसीसी इवेंट, हाँ बट इंस्टेड ही इज नाउ द कैप्टन हु इज लॉस्ट टू अफगानिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, ही इज लॉस्ट टू अमेरिका, जिम्बाब्वे 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 से आईसीसी इवेंट, और उसके अलावा बायलैटरल्स में भी आपके खिलाफ काफी बुरी डिफीट हो चुकी है. सो यू नो देयर इज इवन द सक्सेस ऑफ दोज टू रियली मैजिकल रन इन द वर्ल्ड T20, विच अगेन आई डोंट थिंक वाज अ फ्लूक, दीज वर रियली गुड प्लेयर्स, बट उस वक्त एक फॉर्मूला सेट था और उस फॉर्मूला को जब आगे लाने का वक्त आया है तो ये टीम बिल्कुल ठप हो गई. एंड ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट मोर टू इट, बट दिस इज द बाबर सेंट्रिक व्यू दैट आई हैव. एक चीज जो, एंड आई गेस सेगवे इनटू गैरी कस्टन, उसने जो आज रिमार्क्स करे हैं या नहीं करे हैं, बट द वन थिंग दैट विल बी हिज, वेल या एंड आई टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट, मगर जो उसका जो एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा ना गैरी कस्टन का, वो ये देखना होगा कि ये क्यों होता है. और ये एक जमाने में इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के साथ, आई थिंक मिड 2000s में होता था, कि आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स जो बहुत ही चीता टाइप प्लेयर्स थे डोमेस्टिक में, एंड ऑल्सो द चैंपियंस लीग, लाइक एक एक सेमी ग्लोबल स्टेज पे परफॉर्मर्स थे, चाहे वो बेकम हो विद मैड्रिड या यू नो जेरार्ड लिवरपूल विनिंग द यूरोपियन चैंपियंस व्हाटएवर, बट व्हेन दे केम इनटू द नेशनल सेटअप ना, उनकी गेम बदल जाती थी और देयर एटीट्यूड यूज्ड टू चेंज. तो ये पाकिस्तान में आप इस टीम में देखें, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, द साइम, देयर इज समबडी लाइक हैदर अली आई थिंक ऑल्सो, हु The minute they have come to the Pakistan side, या तो उनकी अप्रोच चेंज हुई है या उनकी एटीट्यूड थोड़ी सी टाइटन अप हो गई है या कुछ और, बिकॉज यू नो साइम अयूब जिस तरह से उसने खेला भी आयरलैंड के खिलाफ, ओके द पिच वाज टफ, आई विल गिव हिम दैट मच, कि पिच थोड़ी सी टफ थी, बट द अप्रोच ऑल्सो लुक डिफरेंट टू द काइंड ऑफ अप्रोच टेक्स इन द पीएसएल. एंड आई डोंट थिंक पीएसएल के कोई अटैक में और आयरलैंड के अटैक में ऑन दैट पिच, लाइक you're kind of looking at similar, if not PSL being a slightly stronger attack, some attacks in the PSL being slightly stronger, right? And I you see mean, the confidence with which Sam plays there. या कि साइम कि जैसे भी पिच हो पीएसएल पे, वो उस किस्म का खिलाड़ी है कि वो अपना शॉट ले लेगा एंड ही गेट आउट. द वियर्ड थिंग विद सीइंग हिम इन विद पाकिस्तान इज दैट ही टेक्स सो मेनी बॉल्स एंड ही डजंट हिट बाउंड्री, व्हिच इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही डज. आई थिंक Exactly. इंग्लैंड वाली, जहां तक इंग्लैंड फुटबॉल टीम की बात है, तो एंड आई लेट यू कंटिन्यू योर पॉइंट, प्रोबेबली ऑल्सो के इंग्लैंड में भी वही हुआ था कि जितना इंस्टेबिलिटी आपकी रहती थी और जितना मीडिया सर्कस था, दैट वॉज अ बिग प्रॉब्लम इज वेल. आई डोंट थिंक पाकिस्तान का वही मसला है, बट आगे जाके मैं इस इंस्टेबिलिटी के बारे में भी तफसील में बात करना चाहूंगा कि एक वजह है. बट या लाइक जस्ट टू रिटर्न टू दैट व्हाट यू सेड, लाइक या यू सी दैट विद साइन, यू सीन दैट बिफोर, यू सीन दैट विद लाइक गाइस लाइक Yeah, and you might see it with somebody like Harris as well. Mohammad Harris को तो वैसे ही अपने टीम में रखा नहीं है. वो अब अगर वापस आ गया तो he'll be worried about trying to keep his place in that side, I guess. अगर because you know naturally सब players का यही ideal है कि आप पाकिस्तान के लिए खेलें. You represent Pakistan, that's the biggest deal. Still, I would say for the majority of Pakistani players, एक का दुक्का होंगे जिनके experiences इतने tarnished हो गए हैं, जैसे कि बेचारा आजम खान, कि he might think that actually it's really much better for me to not represent Pakistan ever again. You know, my leagues में अपना करता रहूं and I can continue with my career out of the limelight or whatever. But एक ये challenge होगा गैरी कर्स्टन के लिए. कर्स्टन की जो आज comments जो उसे उन्हें attribute हुई हैं कि ये मैंने सबसे सबसे disunited टीम देखी है, इतनी मैंने कभी नहीं देखी है, इन लोग का फिटनेस लेवल बहुत ही बकवास है, और वो सब, देर इज ऑलमोस्ट 100%, इट इज 100% That he did not use those words in the way it's being portrayed. कर्स्टन की मीटिंग हुई थी टीम के साथ नेचुरली, बिकॉज ही इज द कोच, और एक एक इतने बड़े टूर्नामेंट के बाद आपकी हमेशा डीब्रीफ होती है विद योर टीम, एंड ही मस्ट हैव स्पोकन सम स्ट्रेट ट्रूथ्स इन दैट मीटिंग, लाइक अ कोच शुड एंड लाइक ही हैज डन इन द पास्ट विद अदर साइड्स. यू नो कर्स्टन इज अ मच ट्रैवल कोच, आई एम श्योर बातें हुई होंगी ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. उसने पब्लिकली ऑलरेडी बोल चुका है वो कि भाई आप अपनी अगर गेम इंप्रूव नहीं कर रहे हैं तो आप यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, एंड इफ ही सेइंग दैट पब्लिकली तो आप ये भी यकीन कर सकते हैं कि वो प्राइवेटली प्रोबेबली वो 2-3 गुना ज्यादा थोड़ा सा उसमें आई गेस थोड़ी सी और फर्मनेस के साथ बोल रहा होगा टू द प्लेयर्स बिहाइंड क्लोज डोर्स. तो डेफिनेटली डीप्री फॉर यू, बट आई थिंक टू
जिस तरह का वो सनसनी खैर उसे एक वो दे दिया ना कि यो कॉस्टन ने ये बोल दिया कि इतनी बुरी टीम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी है, नथिंग ऑफ दैट सोर्ट. आई थिंक ही जस्ट हैड अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ डीब्रीफ विद द टीम आफ्टर टूर्नामेंट दैट आफ्टर ऑल, और हम लोग ये भी आई गेस थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, हैज टू बी वन ऑफ द वर्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट्स यू प्लेड इन लाइक अ व्हाइल, मे बी सिंस द लास्ट वर्ल्ड कप, बट प्रोबब्ली वन ऑफ द वर्स्ट कैंपेन्स दैट पाकिस्तान हैज रन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. और कर्स्टन को आई थिंक यू नो ही वुड हैव रियलाइज, जो इंग्लैंड सीरीज में गैरी कर्स्टन था और फिर यहां इस वर्ल्ड कप पे, Kirsten's not an idiot. He's, you know, played cricket. He's coached at the highest level. He IPL में जैसी भी उसकी टीम है, एंकर हेवी टीम है, by the way, गुजरात टाइटन्स जो उसकी थी, but वो देखता है अपने इर्द-गिर्द, तो देखता होगा, he must pick up on like what and where T20 cricket is going. और उसने identify करा होगा. उसमें उसकी एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उसने बॉलिंग की भी बहुत तारीफ करी है, by the way. He said repeatedly that, you know, we are one of the best bowling units out there. So he knows exactly what the problem is. That it is the batting that is an issue, and this the approach to the batting that's an issue. And you know, obviously, he would have had those words with the players. I think ab jo agla step hai, wo, he's going to present his debrief to the PCB. PCB ki koi meeting honi hai kal ya parso, PCB ki meeting honi hai Kirsten ke saath to kind of get the lowdown on the tournament. Uske baad se repercussions kuch na kuch to honge. They might not be immediate and drastic. अभी यू नो वैसे भी आपका अगला एक तो ये क्रिकेट का माशाल्लाह जो कैलेंडर है, पाकिस्तान डोंट प्ले अनदर T20 नाउ अंटिल आई डोंट नो लाइक नवंबर और समथिंग, और मे बी एक्चुअली मे बी इवन मच लेटर, दे डोंट प्ले फॉर अ व्हाइल नाउ. और अब फोकस शिफ्ट हो जाएगा वर्ल्ड वनडे क्रिकेट की तरफ, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी आनी है. तो यू नो व्हाट हैपेंस, व्हाट दे वांट टू डू, द एपेटाइट फॉर दैट, हु नोस. सो आई क्या कहते हैं कि जो आपके पास गैरी कर्स्टन वाले जो भी आपके कोर्ट्स वगैरह आए हैं और उसके जो भी रिस्पॉन्सेज हैं, आई थिंक वन थिंग इन इन दैट ऑल्सो इज द फैक्ट कि दिस इज अ टीम दैट आई फील डेफिनेटली उसके जो उसके अंदर जो टेंशन है उसको समझना को ज़्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, राइट. लाइक यू गॉट प्लेयर्स जो जिनको कप्तानी चाहिए थी, जिनको कप्तानी से निकाला गया. आई थिंक ऑल्सो वन आई थिंक बैक टू इट, you know that time jab aapki team had two good world cups and then there was that discussion ki ji rizwan aur babar ko aapko badalna hoga and then rizwan comes and plays, mujhe bada dukh ho raha hai aur pata nahi dost karo ya unite ho jao whatever whatever. I think wo ek bada turning point tha in terms of the dressing room politics, kyunki aapke paas you know he kind of made it ke oh no one can touch us, and then it made it very difficult for the team to evolve from that point, I feel. मगर मैं इस पे ये भी कहना चाहता कि आप प्लेयर्स को जितनी भी अपनी तरफ से गाली गलौज दें, एक मैंने टेबल बनाया था और उसमें मुझे सबसे ज्यादा दुख ये हो रहा था कि द ओनली पर्सन इन दैट टेबल हु आई फील इज ट्रीटेड वेल इज साई मयू, क्योंकि और वो टेबल ये थी कि जनवरी 1, 2023 से लेके आज तक पाकिस्तान के T20s में कितने लोगों ने खेले हैं, कितने मैचेस खेले हैं, राइट. सो दिस इज लाइक द नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, आई थिंक टोटल मैचेस समथिंग लाइक 40. और स्ट्रेट अवे आपको नजर आ सो साइम एज यू कैन सी हैज प्लेड द सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस, मगर उसके बाद इट्स बाबर हैज प्लेड द मोस्ट एंड इफ्तिखार शाहीन रिजवान फखर शादाब. And then you come to Imad Wasim's played 16, Haris Rauf 14, Naseem played 12, Azam Khan played 11. And उसके बाद फिर आमिर और जमान खान आता है. और ये 11-12 नाम हैं जिन्होंने majority खेले हैं, but you've actually played like all these all the way down to like 42 different names. और इनको मैंने color code किया हुआ है, तो green में आपके batters हैं, red में bowlers हैं. और आपको जहाँ clearly नजर आ रहा है कि the guys on the fringes other than Usman Khan, the PCB spent 1 year trying all kinds of bowlers out, right? Which आपकी बोलिंग वैसी स्ट्रेंथ है, मुझे समझ नहीं आया इस करने की क्या जरूरत थी. और फिर उसके बाद आपने जो जो सारे बैटर्स हैं उनको लिटरली के तीन तीन दो 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 तीन तीन आसिफ अली तीन इरफान तीन उमेर यूसुफ आसिम अकरम तीन 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 मैचेस खिला के, और आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज प्लेड इन दैट अफगानिस्तान सीरीज एनी वेज. तो उसके अलावा आप एक साल से जो तैयारियां कर रहे थे उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेन प्लेइंग 11 को, एंड दीज आर लाइक सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड एफ एंड अफगानिस्तान और इंग्लैंड व्हाटएवर द हेल, उसमें आपने हर दफा वही प्लेइंग 11 इन मोर लेस द वही बैटिंग एंड बोलिंग ऑर्डर यू सेट दैट आउट.
एंड मैक्सिमम के यू गेव साइम यू एन एक्सटेंडेड रन एंड यू मतलब जहां आपने ट्राई भी किए कि लोगों को आपने यू नो थोड़ी थोड़ी रन दी है वो सारे बॉलरों को जबकि पास आपके पास कोई बॉलरों की कमी नहीं है. यू गॉट लाइक शाहीन एंड नसीम आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड. लाइक शाहीन नॉट इन फॉर्म बट ही इज अप देयर. हारिस रऊफ इज अ ग्रेट टी ट्वेंटी बॉलर. इमाद वसीम ने काफी मैचेस खेल दिए हैं. लाइक यू नो स्पिन में कमेंट्स में लोग बहुत शोर करते हैं यस शादाब इज नॉट ग्रेट एज द स्पिनर ऑप्शन बट यू गॉट अब्रार देव गॉट इमाद देव. अब्रार को आपने कुछ नहीं खिलाया है. Yeah, like आपने फास्ट बॉलरों को टाइम दिए जा रहे हैं फास्ट बॉलरों को कलेक्ट कर रहे हैं. वन प्लेस वेयर यू नो यू डोंट नीड टू वर्क जहां बैटर्स हैं आपने किसी को मौका नहीं दिया है अदर देन साइम एंड आजम खान. एंड लाइक आई मीन यू नो इट हर्ट्स टू से दिस बिकॉज आई रियली बैक बोथ दोज गाइस. आई थिंक दे आर रियली ग्रेट टैलेंट्स बट मतलब यू नो विदाउट इवन गेटिंग इनटू कि किस किस्म के फेलियर्स हैं लाइक उसके अलावा आपने किसी को टाइम नहीं दिया. और फिर इसी के साथ एक और एक्सेल शीट जो हमारे ग्रुप पे भी शेयर हुई थी विच इज जस्ट उस इसी टाइम पीरियड पे हाउ मेनी डिफरेंट कोचेस एंड सेलेक्टर्स. या यू नो सो आई हैड लाइक आई थिंक इसी पेज पे एक छोटी सी लिस्ट थी कि या लाइक द चीफ सेलेक्टर वर्ल्ड कप में इट्स मोहम्मद वसीम सकलैन इज कोच. देन यू गो टू अफगानिस्तान हारून रशीद चीफ सेलेक्टर रहमान भाई हारून रशीद स्टेज सेलेक्टर फॉर न्यूजीलैंड बट ग्रांट एंड मिकी का आर्थर कम इन टू इट. They go to New Zealand, now Wahab is chief selector, Hafiz is coach. Then they go to New Zealand again and Azhar Mahmood is coach. And then they go to England and Ireland, they have no chief selector and Gary Kirsten is coach. You know, I know people getting up. They have eight chief selectors in the last year. They've had four heads of administration. You know, और मैं कहने लगा था आखिरी के बाद चेयरमैन पे भी आ जाए राइट. आपके पास चेयरमैन भी हर वक्त बदलता है. उस सारी चीज में यू नो व्हाट आर यू व्हाट कैन यू रियली से टू द क्रिकेटर्स राइट. लाइक अगर अब इस इन दो फैक्टर्स के बाद आप ये देखें कि अगर प्लेयर्स सेल्फिशली खेल रहे हैं सेल्फिश कहना सही नहीं है बट लाइक मे बी यू नो दे आर नॉट एक दफा आप टीम से बाहर हो तो कभी वापस नहीं आओगे. अगर वो इस डर से खेल रहे हैं कि यार ये कप्तान हमारी मर्जी के खिलाफ रखा गया था या मेरी बारी था नो वन्स टॉक्ड मी नो वन्स एक्सप्लेन थिंग्स टू मी आई हैव अ ग्रज अगेंस्ट द पीसी लाइक एवरी हॉरिबल रीजन यू कैन थिंक ऑफ इट एग्जिस्ट फॉर दीज गाइज राइट. लाइक कि आपके पास अगर यू शाहीन आफरीदी को इस चेयरमैन ने किसी वजह बगैर हटा दिया कि जी नहीं हम बाबर को वापस ला रहे उससे हाँ. पिछले चेयरमैन ने बाबर को निकाला था उससे पिछले चेयरमैन ने और तरह में आगते ही थी तो आपके पास वहां से कोई स्टेबिलिटी नहीं है. कोचिंग की कोई स्टेबिलिटी नहीं है. इफ द कोच इज सेइंग कि यार तू जाके इस तरीके से खेल एंड यू नो दैट दैट्स गोइंग टू गेट यू इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल बैक होम लाइक मे बी यू नो लाइक व्हाई आरंट साइम व्हाई इजंट साइम गोइंग फॉर दोस नो लुक शॉट्स और व्हाटएवर मे बी दैट्स व्हाट ही इज अफ्रेड. अगेन चलो वो साइम पे नहीं अटकते ना आप हारिस ले लो आप और बैटर्स ले लो जिनको आपने तीन या चार मैच से ज्यादा मौके ही नहीं दिए और इफ्तिखार और बाबर हु आर ऑलरेडी गोइंग टू प्ले एवरी मैच यू हैव प्लेड देम नॉन स्टॉप यू प्लेड रिजवान नॉन स्टॉप प्लेड फखर नॉन स्टॉप. सो आई थिंक जब वहां पे और ये इसलिए आपने खिलाया क्योंकि आपका हर दो दिन बाद एक नया चीफ सेलेक्टर आता है हर दो दिन बाद नया कोच आता है तो इस सारे में आई थिंक यहाँ पे यू नो एज मच एज यू वांट टू ब्लेम आई वांट टू ब्लेम द प्लेयर्स ऑफ लाइक इट्स इजीएस्ट टू ऑल्सो क्रिटिसाइज व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग बिकॉज इट्स द मोस्ट ऑब्वियस थिंग देयर बट इस लेवल की चेंजेस मैन इज वाइल्ड लाइक इवन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट दिस इज अ वाइल्ड एरा. या यू कांट इग्नोर द चेंजेस यू नो लास्ट टाइम इस तरह के चेंजेस हो रहे थे वाज आई थिंक मे बी एक तो 2013-14 में व्हेन द बैक एंड फोर्थ हैपेंड बिटवीन नजम सेठी एंड ज़का अशरफ एंड यू रिमेंबर द हालत ऑफ द वनडे टीम एट लीस्ट इन दैट टाइम 2013-14 में मिसबाह कप्तान थे वनडे टीम पे एंड आफ्रिदी वाज जस्ट अबाउट टू टेक ओवर व्हाटएवर बट यू हैव टू गो बैक टू लाइक द मिड 90s जो इतने चेंजेस होते मिड टू लेट 90s जो यू नो 99 में आई थिंक तीन चार चेयरमैन एक साल में चेंज हुए थे द हेड कोच कितनी इंपॉर्टेंस मतलब वाज नॉट अ रोल एज सच इन क्रिकेट प्लस देयर वाज आल्सो नॉट लाइक यू नो द एनवायरनमेंट ऑफ लीग क्रिकेट अराउंड यू वेयर यू हैव डिफरेंट कोचेस यू नो साइम पेशावर धर्मी में खेलता है बाबर के साथ बट बोथ बाबर एंड साइम आर प्लेइंग अंडर डैरन सैमी हु इज इफ नथिंग एल्स डैरन सैमी इज मोस्ट फेमिलियर विद आप इस एज में डे एंड एज में आप एक फियरलेस अप्रोच को किस तरह से
enable करते हो और nurture करते हो. That nobody knows that better than Darren Sammy. As the current coach of the West Indian side, who are looking very good at the World Cup, and as a two-time winner of the T20 World Cup, nobody knows it better than he does. कि किस तरह से आप approach करते हो एक team building को. अभी मैं example तो आज ही मैंने group पे भी लगाई थी. Rothman Powell, जो West Indian captain है, he was talking about Johnson Charles. Johnson Charles, you know, बहुत सारे लोग को ये मालूम नहीं होगा, he's one of the two guys in the West Indian team now who's on the verge of a third World T20 title. दूसरे is the all-time great legend Andre Russell. Johnson Charles also played in 2012 and 2016, played some crucial innings in both those tournaments. बीच में उसका 6 साल का gap रहा है from representing West Indies. Imagine 6 साल से वो बाहर था West Indies की टीम में, उसे फिर वापस लाया है. रॉबमन का और इस टूर्नामेंट में उसकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही है. आई थिंक सिर्फ पीएनजी के खिलाफ उसने कोई रन अ बॉल 40 या कुछ मारी है. लेकिन रॉबमन पावल ने कहा है कि भाई जॉनसन चार्ल्स को हमें मालूम है हमने उसे क्यों रखा हुआ टीम में. जॉनसन चार्ल्स आपको एक पूरे टूर्नामेंट में 2 मैचेस जिता देना, वो आपका टूर्नामेंट बदल देगा. दैट्स ऑल वी वांट. तो आप अगर 6, 7, 8 मैचेस खेल रहे हैं उसमें से सिर्फ आपको वो 2 मैचेस जिता दे, वी हैव हिम इन द साइड फॉर दैट. वेस्ट इंडीज में काफी प्रेशर है, फैंस का प्रेशर है, औरों का भी प्रेशर होगा कि आप शे होप को टीम में ले आए. बट रॉबन पावल इज नो मैन. जॉनसन चार्ल्स डन इट फॉर अस बिफोर. वी नो व्हाट ही ब्रिंग्स. वी गिव हिम दैट लीवे कि तुम फेल करो, इट्स फाइन, बट यू विल स्टे इन आवर साइड. वी आर गिविंग दैट बैकिंग बिकॉज जिस दिन तुम चले जाओगे उस दिन पूरे वेस्ट इंडीज को आग लग जाएगी. Like, you know, will be that good. But you know, this is something that I think the kind of advice that both you and I love, that is clarity of a role. And there's 100% backing. I think just to contextualize this in Pakistan's case, it's literally not possible for anyone to do this, right? If Babar Azam comes to me and says, "Hey, brother, you fail 10 times, I'll back you." I don't know how long Babar Azam is going to last. If you come back to him, that चेयरमैन मेरे पास आके ये बोल रहा है कि जी मैं तुम्हें बैक करूंगा, तुम्हें जैसे खेलना है खेलो, या चीफ सेलेक्टर आपको बैक कर रहा है, अगेन यू डोंट नो हाउ लॉन्ग दोस गाइस आर गोना लास्ट. लाइक अगेन मोहसिन नकवी के ऊपर अब वो कोई अफवाहें फैलती हैं, बट सच अ बैड टूर्नामेंट एंड द गाय हैज ऑब्वियसली अ मच मोर इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो एज इंटीरियर मिनिस्टर, तो सवालात तो उठेंगे. तो वहां पे आपको ये भी पता है कि अच्छा ठीक है, या तो गैरी कर्स्टन आपको आके बोले कि तुम्हें जैसे खेलना है खेलो, मैन कर्स्टन यू आर नॉट इन द सिलेक्शन कमेटी एंड Again, I don't know how long you're going to last. तो वहाँ पे उसके किसी पे यकीन रखना भी बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब आसिफ अली टीम में आया था तो उस वक्त पीपल हु हैड वर्क्ड विद आसिफ, सिर्फ आसिफ अली के बारे में ये थी, बट ये कहानियाँ बहुत ही रिफ्लेक्टिव पाकिस्तानी क्रिकेट मेंटालिटी है. आसिफ को कई दफा एक तो लोग ये कहते कि भाई तू सिर्फ टुल्ला है और तू पता नहीं कैसे आ गया नेशनल टीम में. दीज आर नॉट फैंस, दीज आर पीपल विद इन द बोर्ड सेइंग दिस टू आसिफ. और मतलब उसको ऐसी बातें की गई हैं कि जब इसने मैच जिताया है तो उसके बाद के आज तू बड़ा चढ़ा हुआ है मगर कभी तो गिरेगा तू. दिस इज अगेन अ सीनियर बोर्ड ऑफिशियल सेइंग दिस. दिस अ वाइड स्प्रेड बिलीफ कि ये टुल्ले शुल्ले और फ्रेंचाइज से तो इस किस्म के ये हिटर को पाकिस्तान क्रिकेट में बोर्ड और कोचिंग वर्ल्ड के अंदर जितनी तनकीद होती है इनकी, जितनी इनकी बजाई जाती है, जितना इनको मिसट्रस्ट किया जाता है, तो उस पे मतलब के अगेन साइम पे लोग अगर गुस्सा करेंगे कमेंट्स में, ठीक है भाई साइम फारग है, ड्रॉप कर दें आप उसे, निकाल दें. बट मैं इस किस्म के खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको एक हिटर्स बना के रखने हैं तो वो एक तो क्या आपको उन्हें बैक करना होगा, और दूसरा क्या आपकी बैकिंग का तभी कोई फायदा होगा अगर आप खुद हर 10 मिनट बाद नहीं बदले. Ever, I'll go one step further. हम लोग you know, बाबर को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक्स उसके देते हैं, बट मैं बाबर को ये डिफेंड करूंगा कि यार अगर वो जाके even he can't go to another player and say कि यार मैं तुम्हें बैकिंग दे रहा हूँ, तुम 10 गेम ऐसे खेलो, उसे खुद नहीं पता है कि वो कब निकाला जाएगा, बिकॉज उसके साथ हो चुका है, उसके साथ हो चुका है, राइट. द ओनली गाय हु गेव हिम बैकिंग वाज मिकी आर्थर, हु गेव हिम unquestioned, unequivocal backing. Mickey Arthur ने कहा था कि ये बंदा बहुत बड़ा प्लेयर होगा और मैं इसे खिलाऊंगा. उसका बेनिफिट हमने देखा था 2017 से onwards to like you know last couple of years, we saw the benefits कि आप अगर एक बंदे को unequivocal backing दे, you believe in him, वो succeed करेगा. लेकिन बाबर के साथ जो पिछले साल में हुआ है उसके साथ भी बहुत गलती हुई है, उसके साथ बहुत इन लोगों ने गंदा करा है उसे,
जक्का अशरफ के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके व्हाट्सएप मैसेजेस लीक हो रहे हैं, पब्लिक टीवी पे दिखाया, ब्रॉडकास्टर पे दिखाया जा रहा है, लाइक घटिया किस्म की हरकतें। उसे बीच टूर्नामेंट में आपने यू थ्रो हिम अंडर द बस सेइंग कि तुमने सेलेक्ट करी है टीम, तो तुम्हारी गलती है, हम लोग तो वेयर वॉशिंग आर हैंड्स, ये कोई बोर्ड उसे कह रहा है लाइक इस तरह का। अब वो जब उसे कैप्टनसी वापस मिली है, आई डोंट अग्री विद द अप्रोच, बट इट इज कम्प्लीटली, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड इट्स नेचुरल फॉर हिम टू बी इवन मोर काइंड ऑफ पोजेसिव एंड येट मोर डिफेंसिव अबाउट द होल थिंग। यार दी तो हैं लोग मैं वापस, मगर मैं तो और पावर के साथ देना चाह रहा हूँ, बिकॉज हु नोज अभी मोहसिन नकवी को हटा देंगे कोई तो मैं फिर से निकल जाऊंगा, या मोहसिन नकवी ना भी निकले, मोहसिन नकवी मुझे खुद निकाल दे, वेयर विल आई बी देन। सो आई मीन यू नो आई फील फॉर हिम द जस्ट द होल एनवायरनमेंट एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ व्हाट यू वर सेइंग अर्लियर, जो इतने सारे चेंजेस हुए हैं ना, इतने सारे चेंजेस हुए हैं, इतनी इंस्टेबिलिटी हुई है, इतनी अनसर्टेनिटी हुई है, कि अल्टीमेटली हर प्लेयर, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो आजम खान हो, किसी को अपनी जगह में कोई सिक्योरिटी नहीं है, यू नो नोबडी हैज एनी सिक्योरिटी एट ऑल। एंड आई जस्ट वांट टू ड्रॉ वन थिंग, वन हम्बल ब्रैग, कि ये जो अभी जो पावर गेम्स चल रही है ना टीम में, और है लाइक इट इज डेफिनेटली अ थिंग, शाहीन एक बन गया है बड़ा स्टार, बाबर एक बना हुआ है, नसीम शाह अपनी तरफ से राइज कर रहा है, ये सब हो रहा है टीम में टू एन एक्सटेंट नेचुरल, मगर ये सब शुरू हुआ था। और अहमद तुम्हें ये याद होगा, बिकॉज़ आई हैड दिस बहस विद यू एज वेल, जब इन्होंने बाबर आजम कप्तान बनाया था ना सरफराज को निकाल के, और जो वो एक पॉलिश सा वीडियो निकाला था ना, अपनी ओन ब्लीप को साफ सफा साफ करके दिखाने के लिए इन्होंने जो एक पॉलिश सा वीडियो सोशल मीडिया वीडियो, लुक एट बाबर चश्मे पहन के गाड़ी से निकल के सूटेड बूटेड, हमारा नया कप्तान, ओ फॉरगेट द गाय दैट वी जस्ट डंपिंग इमीडिएटली बैडली फॉर द लास्ट हाफ ईयर, उस वक्त से इसे जो स्टार बनाना शुरू कर रहा है ना, विद पीपल विद इन द बोर्ड, पीपल आउटसाइड ऑफ हिम, ये उसी वक्त से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि आप इस बंदे को, एक बंदे को आप इतना बड़ा स्टार बना देंगे, जब ये दिन आएगा कि उसका एक शायद मूविंग ऑन पीरियड आएगा, तब आपके पास प्रॉब्लम आएंगे, बिकॉज देन यू हैव बाय देन यू विल क्रिएट सम अदर स्टार्स आल्सो इन द टीम। यस, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मेरा तुम्हारा इसमें बहुत फट्टा होना था, और मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल भाई आपको हर कप्तान को ऐसे दिखाना चाहिए, हर प्लेयर को ऐसे दिखाना चाहिए। मसला वही था कि आपने बाबर के ऊपर कहानी शुरू और खत्म कर दी, विच वॉज क्रेजी, बिकॉज द थिंग इज के लाइक एक तो पाकिस्तान बेचारे अभी भी अपनी वही पुरानी 80s की लॉजिक के साथ चल रहे होते हैं कि हम जो बोलेंगे पीसीबी जो बताएगा वही नैरेटिव होगा। भाई yes maybe you think babar is the only star but you've got other players who are performing in other leagues, agar aapki team ke liye bhi nahi kar rahe jo team ke liye bhi kar rahe hain wo perform, aur aapke paas khud ek aur psl hai jis pe ek platform milta hai log perform karne ka, aapki puri output agar hoti towards celebrating your big stars and kind of you know yeah there's babar but there's also because we have psl ki kaptani ki wajah se aur leagues mein performance ki wajah se ya phir baaki बैन अल्कामी टीम में परफॉर्मेंस की वजह से यू आर गोइंग टू हैव अदर प्लेयर्स हु बिकम स्टार्स एंड इन फैक्ट यू नो अब फॉर यू इट माइट हैव बीन दैट वीडियो आई थिंक बट इट वाज इनेविटेबल इन द सेंस के एट सम पॉइंट ऑल ऑफ दीज गाइज वेंट फ्रॉम बीइंग पीएसएल डेब्यूटेंट्स टू बीइंग पीएसएल वेटरन्स टू बीइंग पीएसएल कैप्टन्स तो वो एक हद के बाद तो ये आना था ना कि यार मैं भी पीएसएल जीत चुका हूँ, मैं भी दो दफा जिता चुका हूँ अपनी टीम को, मगर कप्तानी का मुझे मौका नहीं मिल रहा है, या मैं चार फाइनल खिला चुका हूँ, लाइक स्ट्रेट अवे यू गॉट लाइक सो मेनी कैंडिडेट्स देयर हु कैन मेक दैट क्लेम। तो पीसीबी के लिए यहाँ पे दिस इज वेयर यू अर्न योर मनी, वेयर यू काइंड ऑफ फिगर दैट आउट, बट अनफॉर्चुनेटली आप बोर्ड को भी कितना कहेंगे, क्योंकि हु इज बीन अराउंड, यू नो इट वाज वन रेजिम दैट मेड द वीडियो, अनदर रेजिम दैट मे बी डिडंट बिल्ड अपॉन द अदर स्टार्स, अनदर रेजिम दैट डिड समथिंग एल्स, हु कैन यू ब्लेम फॉर एनीथिंग। That was the era when they did the famous कि आप एक बंदे को ड्रॉप कर रहे हैं और स्क्वाड अनाउंसमेंट में आप दिखा रहे हैं कि सिलेक्टर आपका फोन कॉल कर रहा है उस बंदे को, कह रहा है कि यार आई एम सो सॉरी ताबिश, ताबिश खान था, ताबिश खान को ड्रॉप करा था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बस हौसला रखो, फिर से इंशाल्लाह परफॉर्मेंसेस करते रहो डोमेस्टिक पे, फिर इंशाल्लाह तुम वापस आओगे टीम में, खुदा हाफिज। फिर उसके बाद से शायद उसे कभी इन्होंने लिफ्ट दी, कभी और नहीं, ताबिश खान भी टीम में नहीं आया। And that cursed video has haunted Pakistan cricket since then. I think the point of today was also to shall we go there now into ranking this tournament? I mean, मैं यही segue देने लगा था कि दो किस्तों पहले मतलब World Cup से पहले
हमने अपने दोस्त असद को ये जवाब दिया था कि भाई क्यों हम बोलते हैं कि हम क्रिकेट से तंग आ गए हैं, क्रिकेट से नफरत है ये वो। और आई थिंक ये प्रोग्राम के पिछले आधे घंटे में आपको अंदाजा हो गया कि इतनी बड़ा क्लस्टर फक है कि आप किसी एक को पकड़ के क्या बताएंगे कि यार ये बेहतर करो वो बेहतर करो। तो उस्मान के पास बहुत अच्छा आइडिया था कि क्यों ना हम पाकिस्तान की वर्स्ट आईसीसी परफॉर्मेंसेस को रैंक करें, क्योंकि बिला शुबा बिला शक दिस पर्टिकुलर एफर्ट इज क्वाइट रिमार्कबल एंड कंटिन्यूज अ हॉरर रन ऑफ वेस्ट इंडियन आईसीसी टूर्नामेंट्स फॉर पाकिस्तान। सो द वन एक चीज जो हर बंदा इस पे कैविएट करेगा ना, इस टूर्नामेंट पे, हालांकि आप इस टूर्नामेंट में हारे हैं, यूएसए से बेली बीट आयरलैंड, इंडिया से हारे हैं, और कनाडा से भी कोई खास इतनी आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, जो मुझे तो याद भी नहीं है किस तरह से जीते थे कनाडा से, वहां जीत गए थे, जीते ही थे कनाडा से, आई थिंक मैं ऑलरेडी। बट कैविएट ये होगा कि यार चलो यूएसए से सुपर ओवर में हारे हैं, ठीक है उसको ये हो जाता है, और इंडिया से सिर्फ आप एक हिट से हार रहे हैं, हालांकि वो एक हिट से कई ज्यादा साइकोलॉजिकली हिट्स थी जिससे आप हार रहे हैं, तो बहुत ही क्लोज था। आप एक ये छक्का लग जाता, वो हो जाता, वाइड नहीं होती, तो आप सुपर एट में होते, सुपर एट में जहां पे आपको ऐसे चपेट लगते ना फ्रॉम प्रॉपर T20 टीम्स के, फिर आप बदनाम और बदनाम हो जाते। बट आई थिंक स्पिरिट वाइज और फील्स वाइज वी शुड नॉट अकाउंट फॉर दिस क्लोजनेस ऑफ दिस रिजल्ट। ये वाकई में एक बहुत ही तबाहकुन किस्म की एक कैंपेन रही है पाकिस्तान की। बट पर्सनली फॉर मी, और हम लोग इस सेंचुरी की बात कर रहे हैं सही ना, सो लेट्स फॉरगेट 99, 2003 टूर्नामेंट्स ऑन फ्रॉम देयर। मैं कल लिस्ट कर रहा था कि कितने कितने बुरे बुरे टूर्नामेंट हुए हैं, 2003 यादगार किस्म का, खौफनाक 2007, विच आई थिंक 2007 मे बी द वर्स्ट एवर पाकिस्तान, यस यस राइट, बिकॉज उसमें और कुछ जो हुआ था उसकी, मगर उसमें हम एक टूर्नामेंट भूल गए थे 2013 का भी, 13 का मुझे बहुत बुरा लगा था, उसमें तो वाकई में लग रहा था कि पाकिस्तान कोई पिछली सदी की क्रिकेट खेल रहा है वनडे क्रिकेट में। आपका मिडिल ऑर्डर मुझे सिर्फ याद है कि उसमें कामरान अकमल, शोएब मलिक और एक और कोई था शायद इमरान फरहत भी था टीम में, जिन्होंने कुल मिला के उस टूर्नामेंट में 13 रन बनाए थे, तीन प्लेयर ने 3 इनिंग्स में शायद कुल मिला के 13 रन बनाए थे। पाकिस्तान बहुत ही बुरी टीम थी वो, मिसबाह की कैप्टनसी थी। लेकिन एक जो टूर्नामेंट में भूल गए थे, तुम्हें याद है 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी, नहीं जो एक दिन पहले ऑन अराइवल या एक दिन पहले इंडिया पहुंचने से एक दिन पहले आसिफ और आसिफ और या शुएब के दो पे स्टैंड वो निकाले गए। फिर आपने पहले मैच में ऐसे शुरू, आपने शुरुआत की है कि साउथ अफ्रीका को आपने 44-5 कर दिया, और फिर कौन था, नील मैकेंजी नहीं, वो यार उनका एक प्लेयर था, मैं नाम भूल गया बहुत लंबा सा, जस्टिन कैम्प, जस्टिन कैम्प और मार्क बाउचर ने पता नहीं 270 बना लिया, और यस फिर आप बहुत बुरी तरह गेम हार गए, और आई थिंक आपने भी सब ग्रुप गेम्स हारी है, उसमें इंजी भी कैप्टन नहीं था, उसमें यूनस कैप्टन था, हालांकि यूनस एक दिन के लिए कप्तानी छोड़ दी थी, उसे गुस्सा आ गया था, क्योंकि शहरयार खान ने उसे 15 मिनट वेट कराया था, अपने वो भी एक फेज दिया था 2006, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग भूल गए थे, वो भी बहुत ही गंदी किस्म की वेट आईसीसी की कैप्टन। एक सेकंड, आई थिंक लेट्स जस्ट रैशनलाइज दिस, लेट्स गो क्रोनोलॉजिकली, राइट? 2003 इज इट इन द टॉप थ्री ऑफ आर वर्स्ट, बॉटम थ्री आई गेस, वर्स्ट कैंपेन? No, यस no. I believe 2003 was always going to happen because Wasim and Waqar were past their peak. Shoaib was in his peak ego-ridden era. और बैटिंग आपकी सईद अनवर की खत्म हो गई था। आई थिंक 2003 वाज कंप्लीटली एक्सपेक्टेड, टोटली ऑन द कार्ड्स। ओके फिर आती है 2006 चैंपियंस ट्रॉफी, अगेन यू गॉट वायलेंस अंडररेटेड ड्रेसिंग रूम बट मैसिवली नॉट अंडररेटेड डिजास्टर, मैसिवली अंडररेटेड एंड अंडर अप्रिशिएटेड एंड इंपॉर्टेंट सही। डिजास्टर। 2007 ठीक है, मैं कहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैं ये ठीक है, चलो ले आ। 2007 ODI, आई थिंक वर्स्ट टूर्नामेंट पाकिस्तान एवर हैड। ओके 2007 का वर्ल्ड कप हम लोग, और इसकी वजह भी अगर किसी को पता नहीं है तो एक्सप्लेन कर लेते हैं जल्दी से। एक तो आपकी टीम भी बकवास थी, उसमें भी शोएब और आसिफ नहीं थे, कैरिंग ऑन फ्रॉम देयर ड्रग्स बैन फ्रॉम द 2006 चैंपियंस ट्रॉफी। एक वो पूरा एरा जो शुरू हो रहा था ना, 2007 वाज द द द सुपर पीक, यानी वो पीक केओस था,
बट 2007 रिप्रेजेंटेड द सुपर पीक बिकॉज आप उसमें गंदे मैचेस भी हारे हैं एंड देन ऑफ कोर्स व्हाट हैपेंड विद बॉब वुलमर मरहूम यू कांट उसके बाद से जो फॉलआउट था ना मैच फिक्सिंग और मर्डर इंक्वायरी प्लेयर्स पे श्योरली यू कांट बी मोर कैटास्ट्रोफिक दैट्स लाइक अ ऑपरेटिक लेवल ऑफ डिजास्टर राइट आई थिंक कि उसका जो ऑब्वियसली पहले भी हमने इस पर बात की कि जो उसका ह्यूमन एंगल है जो उसकी ह्यूमन कॉस्ट है द लॉस ऑफ सच अ ब्यूटीफुल अमेजिंग लवली पर्सन इन द फॉर्म ऑफ बॉब वुलमर विल ऑब्वियसली नथिंग कम्स क्लोज टू दैट बट अगर उसको हम मतलब यू नो आई थिंक ऑब्वियसली देन यू कांट कंपेयर एनीथिंग एल्स विद दैट तो उसकी अगर हम आउटसाइड ऑफ द फील्ड चीजें एक तरफ रखते हैं सिर्फ ऑन द पिच यू नो पाकिस्तान लॉस्ट दैट मैच टू आयरलैंड आई थिंक मैंने पाकिस्तान के बड़े मनहूस मैचेस देखे हैं बट हाँ के साथ साथ आई फील आई रियली फेल्ट फिजिकली वर्स जितना मैं उस मैच को देखते होता हूँ लाइक मुझे अच्छी तरह याद है मुझे लग रहा था कि मेरे मेरे लाइक के अंदर रेजर है लाइक यू नो मेरे पेट के अंदर खंजर है जो अंदर से मुझे कोई स्टैब कर रहा है लाइक आई जेन्युइनली रिमेम्बर दैट फीलिंग वॉचिंग दैट मैच और उसी के साथ ये भी हुआ था कि मतलब पाकिस्तान भी निकल गया था और इंडिया में निकल गई थी तो टूर्नामेंट भी तबाह हो गया था एंड देन समथिंग अंडररेटेड दैट आई रियलाइज मच लेटर क्योंकि मैं एक दफा फिर कुछ आर्टिकल लिख रहा था कि बेसिकली पाकिस्तान हैड अ रियली प्रॉमिसिंग टेस्ट साइड अंडर वुलमर वी हैड दिस अमेजिंग सीरीज इन इंडिया विद दैट फेमस विन इन बैंगलोर वी हैड लाइक यू नो द गुड सीरीज एट होम अगेंस्ट इंग्लैंड और Then beat वो था India. या और उसको था कि वुलमर यू नो हैड लाइक दिस रियली काइंड ऑफ was finding the best out of our players and most importantly Afridi had this really charmed run as a test match player और फिर क्या कहते हैं कि और मैं आर्टिकल लिख रहा था उसके टेस्ट मैच लाइफ में सो आई एम लाइक ओह व्हाट हैपेंड हियर एंड देन Afridi decides to quit test match cricket so that he can play the 2007 world cup so you know a big what if के what if you know Afridi had stayed a test match cricketer and you know found his calling there But that also, okay, I think he ends up being injured for this World Cup's first few matches, and Pakistan is knocked out before he returns. Typical. Like, just be like, I think that's what makes this the worst ever. Because इसमें आप जितनी इसकी लेयर्स खोलते रहे इसमें और भी लेयर्स हैं मनुष्यत्व की तो वो उसको आप वो नहीं कर सकते फिर उसके बाद आपके पास ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप आता है 2007 का दैट वाज अमेजिंग पाकिस्तान नहीं फाइनल सो एक बार एक बार सो 2007 लेट्स पुट इट ऑन द टॉप नंबर वन मूवी है अनबीटेबल ठीक अगेन सो अभी के लिए प्रोविजनल सिल्वर पे है 2006 चैंपियंस ट्रॉफी बट वो मगर हट प्रोविजनल सकती है हाँ अच्छा वही ना प्रोविजनल है तो ठीक ठीक है 2007 के बाद फिर अगला क्या है यू हैव अ चैंपियंस है ट्रॉफी दो और 2009 चैंपियंस ट्रॉफी जहां सेमीफाइनल पहुंचे थे वो ठीक था पाकिस्तान के लिए वॉजंट सो बैड दे बीट इंडिया इन दैट इंडिया को या हराया तो फिर तो बल्ले ही बल्ले हैं लाइक यू ठीक है लाफिंग ठीक 2009 वो में उनका फिर अपना आप टूर्नामेंट था 2009 वाला जो होना था पाकिस्तान में 2008 में वो 2009 में साउथ अफ्रीका में हुआ सेमीफाइनल में गंद ये उससे एक्चुअली उसकी डिफीट से गंद ये मची कि यूनुस खान पे सेनेटर कप्तानी तबाह हो गई बिकॉज उसे एक्यूज करा गया मैच फिक्सिंग का कि कैच आपने डिलिबरेटली ड्रॉप करा था सेमीफाइनल में आपने ऐसे क्यों पकड़ने की कोशिश करी ऐसे क्यों पकड़ने की कोशिश करी और आई सेनेट थिंक में इंक्वायरी हुई और ये सब आई हुआ तो थिंक यूनुस सेनेटर खान के इंक्वायरी मैच में टेक टू नंबर थ्री राइट You know, you've got a Senate inquiry. You deserve Yeah, but to yeah, okay. provision. Because we still haven't come across the others yet. वो होता है ना जब फॉर्मूला वन में जब वो क्या कहते हैं एक दिन पहले जो व्हाट यू कॉल दैट हाँ, या द क्वालिफायर रेस वगैरह में कुछ दिशवान जो क्वालिफाई होती जो है होता है तो उसमें अभी जब घटिया गाड़ियां होती हैं वो भी नंबर वन होती हैं फिर आगे जाके कोई और हो जाता है सो इट्स लाइक दैट राइट देखो सो 2011 में तो आपका बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस हो गई सेमीफाइनल तक पहुंच गया आप या उसका सदमा है सेमीफाइनल का बट इट वाज जनरली बेटर देन यू एक्सपेक्टेड टू डू यू वर द फर्स्ट टीम टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन वर्ल्ड कप इन लाइक अ यस डेकेड एग्जैक्टली एंड सिंस 99 या सिंस 90 या तो ठीक है 2011 वाज गुड उसके बाद से 2012 की जो ये थी T20 टी वर्ल्ड ट्वेंटी कप वर्ल्ड कप ओह वी आर फॉरगेटिंग 2010 वर्ल्ड कप T20 एज वेल ओह सईद अजमल व्हिच आई मीन टू मी Like you, obviously you made it to a semi-final. You can't hate on it too much, but it really was like a slightly different set of results that Pakistan would have been like three times winner, or at least two out of three.
मुझे उसमें आई फील लाइक पाकिस्तान वॉज रॉब नॉट ओनली बाय हसी बट ऑल्सो द फैक्ट कि वो टूर्नामेंट एक साल भी नहीं हुआ था पिछले टूर्नामेंट को जीते हुए कि ये टूर्नामेंट आ यस गया यार, ये ना इंसाफी थी यार, आप 1.5 साल तो छोड़ देते एटलीस्ट। और ये पाकिस्तान के कैरिबियन में सबसे अच्छा टूर्नामेंट गया है विद लाइक यू नो जस्ट माय गॉड फ्रॉम रिपीट टू ऑस्ट्रेलिया नथिंग एल्स नो माय डेथ्स गॉड, और नॉन एग्जिट्स और लॉसेस टू पर आई फील इंपीरियल। लाइक मुझे इतना कोई हेवी ट्रॉमा नहीं था बिकॉज उस जमाने में यस इतनी लो एक्सपेक्टेशन थी ना टीम से, इतनी गंद हो चुकी थी, गंद होने वाली थी, उसी के बाद वो इंग्लैंड वाली टूर हुई है, स्पॉट फिक्सिंग हुआ है, तो माहौल उस वक्त इतना बुरा था कि जो भी छोटी मोटी जीत थी ना आपकी तो साथ से यार ठीक है कुछ ना कुछ तो हो ही गया एटलीस्ट यू नो। या सो आई डोंट पुट दैट इन माय सो लिस्टिंग सो मच। 2011 इज फाइन, देन वी कम टू 2012 वर्ल्ड टी20। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट फॉर मी इट वाज रियली बैड। दिस इज पाकिस्तान द फर्स्ट टाइम डजंट मेक इट टू द सेमीफाइनल्स राइट। नो दे डिड नॉट लूज टू श्रीलंका इन द सेमीज, दे लॉस्ट टू ओह श्रीलंका दिस इन द इज सेमीज। हैपेंड सॉरी सो द या नेक्स्ट हफीज वन की कैप्टनसी, हफीज की ओके कैप्टनसी। ओके सो दिस इज स्टिल दिस इज द वन आई थिंक वेयर वी बीट साउथ नहीं बीट साउथ हाँ अफ्रीका दे आई लॉस्ट थिंक टू या दे बीट और साउथ अफ्रीका अफ्रीका विद वन गोल, दे बीट या साउथ या अफ्रीका विद वन गोल एंड ठीक है देन सो दिस इज नॉट अ यू बैड नो टूर्नामेंट। श्रीलंका से हारे 16 रन से इवन दो दे वर चेसिंग लाइक 139 और समथिंग। Anyway, Sri Lanka beat a lot of people like that at that time, so that's okay. That's not a bad tournament. Then we get to the 2013 Champions Trophy. This is a bad tournament. I Yes, feel remember. 100. 2013 जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ना उसमें मुझे थोड़े से लाइक देयर इज अ रीजन व्हाई आई थॉट दिस वाज द डेथ ऑफ दिस टूर्नामेंट। मैं इसमें पाकिस्तान के बस स्कोर कार्ड्स खोलूंगा ठीक है ना, और उनके रिजल्ट दिखाऊंगा पाकिस्तान। अच्छा पाकिस्तान के मैचेस, पहला मैच वेस्ट इंडीज से 170 ऑल आउट माशाल्लाह, ऑल्दो बिकॉज ऑफ मोहम्मद इरफान हम लोग सिर्फ 2 विकेट से हारे थे, बट जबरदस्त। आप ये चेक करें, इमरान फरहत 2, शोएब मलिक 0 फर्स्ट बॉल, कामरान अकमल 2 ठीक है ना। देन दे प्लेड हु डिड दे लूज टू आफ्टर साउथ अफ्रीका, दे लॉस्ट, दे वर 167 ऑल आउट, वाह अमेजिंग। इमरान फरहत 2, शोएब मलिक 8, कामरान अकमल 0, उमर अमीन बाय द वे आल्सो प्लेड दैट। दिस रियली इज लाइक एन अंडर अगेन लाइक 2006, दिस इज एन अंडर रेटेड बैड लाइक I अगेंस्ट feel this इंडिया, is अगेंस्ट इंडिया 165 ऑल आउट बाय द वे, yeah कामरान अकमल I this was a 25, horrible captain या शोएब मलिक 17 एंड हु इमरान फरहत हैड बीन ड्रॉप बाय दिस स्टेज। कंबाइंड इन्होंने मुश्किल से कोई 40 रन बनाए हैं तीन प्लेयर ने, 6 इनिंग्स में, 3 इनिंग्स में, 9 इनिंग्स में, इनफैक्ट कोई 40 रन बनाए हैं। तो ये और ये मिसबाह की कैप्टनसी थी, दिस वाज पीक वो एरा जब सिर्फ मिसबाह रन बनाता था, और मिसबाह ऐसे अंदाज में रन बनाता था कि आप यानी वहीं पे मर जाएं बस कि यार क्या हो रहा है इसको, क्या हम लोग क्यों पागल हो रहे हैं ऐसे देख रहे हैं। बना रहा था पूरे दिन बहस चलती रहती थी कि क्या मिसबाह की वजह से हार रहे हैं या मिसबाह तेज नहीं बना रहा, मिसबाह अभी 6 पे है वो ये फलाना। इट वाज अ हॉरिबल टाइम सो आई एम गोना पुट दिस एज द सिल्वर मेडल। ओके ओके सो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, या हाँ मिसबा आई थिंक एलिवेटेड इट टू अ डिफरेंट लेवल। आई थिंक व्हाट इज 2014 में T20 हुआ ये था, अकमल एंड लाइक यू जस्ट हैड नो होप। मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे याद है उस वक्त लिखने के भी के था कि अगले मतलब कहाँ से आ रहे हैं प्लेयर, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो। हाँ और और वही दैट डिसिप्लिन प्लेयर्स क्यों आ रहे हैं हमेशा। हाँ ये जो मेरे लिए बड़ा बुरा टाइम था 2013 14 और 15। सो वी हैव द चैंपियंस ऑफ इन 13, वी हैव द वर्ल्ड T20 इन 14 एंड देन वी हैव द ओडीआई वर्ल्ड कप इन 15। पाकिस्तान मेड इट टू द क्वार्टर फाइनल्स इन दैट वर्ल्ड कप इवन दो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर इट नॉट टू, मगर ये मतलब बड़ी मुझे बहुत ज्यादा ये क्या, ये जो ट्रिलिजी थी ना, ये जो ट्रिलिजी थी ना, ये अगर आप गॉड हॉरिबल। फादर को इनसाइड आउट कर देना और उसे वर्स्ट ट्रिलिजी एवर बना देना, ये या वो है, ये ये लाइक वो यू है। लाइक द चैंपियंस ट्रॉफी वाज हॉरिबल बट देन द वर्ल्ड T20 वाज लेजिटिमेटली आई थिंक इनफैक्ट आई माइट पुट दैट एज द वर्स्ट वन मुझे बिकॉज़ याद इट वाज नहीं है लाइक वो 2014 वाला मुझे सिर्फ T20। ये याद है कि मैं गया इस पे, मैंने स्टोरी करने के लिए कुछ गया था और इट वाज क्रेजी टू सी दैट पाकिस्तान वाज लाइक पेरिनियल सेमीफाइनलिस्ट फॉर 4 टूर्नामेंट्स, हैड वन वंस, मेड टू द फाइनल ट्वाइस,
और नाउ इज जस्ट हॉरिबल टीम. और मुझे याद है मैंने क्रिकेट इन्फो के लिए लिखा था, फिर आई वाज बेसिकली मैं भी शोएब मलिक. कैन यू इमेजिन 2014 से हम लोग कैंपेन कर रहे थे कि शोएब मलिक को कब निकालोगे आप से, और उस वक्त भी उसको 15 साल हो चुके थे, तो ऐसा भी नहीं था कि वो बेचारा यंग था. और क्या कहते मम्मी हैं और से कि बात में 15 साल हो चुके थे। या और उस पे था कि मुझे याद है कि मैं आई वाज राइटिंग इन सपोर्ट ऑफ द यंगस्टर्स अहमद शहजाद एंड उमर अकमल के, इनको आप मौके नहीं देते. सो दैट्स अ ब्लीक टाइम ब्रो. ऑल द तो 2007 का वर्ल्ड कप इज नंबर वन, नाउ यू आर ब्रिंगिंग 2013 टू नंबर टू चैंपियंस इट्स ट्रॉफी। वेरी टफ. आई थिंक इस ट्रिलिजी में पिक करना बड़ा टफ है. आई हाँ वुड से दैट मे बी, बट सी द थिंग इज दैट नन ऑफ देम हैव अ शॉकिंग लॉस, हाँ ये बात है, ये तो बात है। देर जस्ट ट्वेंटी दे वर जस्ट कंप्लीटली फोर्टीन अगेन. में, 2014 में किससे हार, बांग्लादेश से नहीं हारे थे? दैट वुड हैव बीन सो शॉकिंग। नहीं आई थिंक एमएस आजाद ने सेंचुरी मारी थी उस गेम में। या आई थिंक बेसिकली ये था कि इन तीनों में कोई ऐसा कोई मिनो से नहीं आप हारे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बट इट वाज जस्ट लाइक द वर्स्ट दैट आई फेल्ट अबाउट पाकिस्तान साइड आई यार इसमें थिंक मैं, दे इन वर दिस टीम. 82 ऑल आउट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, आई रिमेम्बर दैट। उसमें डैरन सैमी ने पिटाई करी थी, और बांग्लादेश से जीते थे। आई रिमेम्बर सो लिटिल ऑफ दैट टूर्नामेंट फॉर सम रीजन। बांग्लादेश से आप जीते थे, और फिर उनके तो रिजल्ट थी। ऑस्ट्रेलिया से भी आप जीते थे बाय द वे 2014 में इन द ये टी मैच ट्वेंटी वन या। और इसमें तो उमर अकमल ने मारी थी 94। हेलो यार, दिस इज हाउ कैन दैट यू लाइक वर्ल्ड. दिस इज सो वी 2014। लॉस्ट टू इंडिया आई थिंक अ बिट डिस्पिरिटिंगली, बट या दिस सो इंडिया से तो चलो एज अ गिवन ले लो ना। हाँ मगर ठीक है वो आपके पास तो चले ठीक है, आपके पास ये तीन टूर्नामेंट हो हाँ गए, दे इंडिया से हम नॉट लोग 7 विकेट से हारे थे, वेल रिमेम्बर्ड। They're not so bad, and then I think उसके बाद फिर आपके पास you have 2016 World T20, again you have a terrible one. That was when the thing to remember about 2016 was that Mohammed Irfan was fielding at point. That tells you everything about that. वो पूरा टूर्नामेंट आप उसी में समाप्त कर सकते हैं कि मोहम्मद इरफान उस फील्डिंग एट पॉइंट, बस खत्म। दैट्स हाउ बैड पाकिस्तान वर। तो एक मिनट, 2015 द ओनली रीजन पीपल से कि नहीं यार इतना बुरा नहीं, बिकॉज पाकिस्तान गॉट टू द क्वार्टर फाइनल। एक उसमें बस एक साउथ अफ्रीका साहब की जीत है, और एक वो वहाब का स्पेल, विच आई एम सॉरी मैं गाली नहीं यूज करूंगा, बट एलबीसी एंड विल मूव ऑन। सो एवर आई स्टिल गॉट 2007 वर्ल्ड कप एट द टॉप, एंड I'm not sure which way you're going on 2013 and I'll 2014. have to pause on those that trilogy because I think unless आप उसको एक साथ लें on Okay. their own they're all demoralizing and back to back they're even more demoralizing but it's kind of unfair to pick any one out. Okay. Okay. Like ठीक है. Okay. I think all of them are better at, like none किसी में भी आप अमेरिका से नहीं आ रहे यार तो Then that leaves only 2016. तो we discussed Mohammed Irfan at point. That's a pretty low point in Pakistan's history. I think that's a wrong. That's bronze, right? I feel like that's bronze. और फिर उसके बाद से last World Cup 2023, because तो यार 2019 World Cup भी, 2019 World Cup यार चलो उसमें मजे थे थोड़े बहुत, मजेदार था, बहुत मजेदार था. मजेदार वर्ल्ड कप था। शाहीन आया था नया नया। वी बीट बोथ फाइनलिस्ट, या एग्जैक्टली, और मजे की गेम्स थी, मजे की बहुत गेम्स थी, मजेदार उसमें गेम. नैरेटिव द अच्छी इंडिया थी। गेम एंड द अफगानिस्तान गेम वर यस क्लासिक्स, दे वर या या क्लासिक्स. 2019 एक्चुअली डिस्पाइट नॉट गेटिंग टू द सेमीफाइनल्स वाज एक्चुअली अ लाइक अ गुड टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान आई फील। या 2023 वर्ल्ड कप प्रीटी नो सो एंड देन क्रैकिंग। यू गॉट दोस टू हां वर्ल्ड 20s एंड नथिंग वो तो एल्स. अच्छे है ना, वो तो बैड कैंपेन्स में तो आते ही नहीं है ना, चैंपियंस ट्रॉफी 21 नहीं एंड है फिर, 22। हां चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुई है फिर. नहीं, 2017 में आप जीते चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद से हुई नहीं। 2018 वाज द या ईयर दैट वाज नथिंग। 2018 में कुछ नहीं था, 2019 में वर्ल्ड कप हुआ, 2020 में कोविड, 21 एंड 22 यू हैड दोस टू, फिर इंडिया का वर्ल्ड कप, और अब ये। तो यूएसए का इंडिया लॉस, बी हॉरिबल. यूएसए का लॉस देखो, इंडिया के वर्ल्ड कप में द बिगेस्ट डिफीट, आई थिंक द मोस्ट डिमोरलाइजिंग डिफीट वाज अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान की पोटेंशियल बनाना पील, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि यार अफगानिस्तान का मैच चेन्नई में है,
चेन्नई में पिच स्पिन होगी, अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स हैं, यहां पे हमारा चोक हो सकता है, तो वो भी. और द मैनर ऑफ दैट रिजल्ट, दे चेस्ड डाउन सो कूलली, 7 विकेट्स इन हैंड, एंड यू नो जितने से उन्होंने करा है, इट वॉजेंट लाइक द आयरलैंड रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल और द यूएसए रिजल्ट. अफगानिस्तान उस टूर्नामेंट में वैसे ही अच्छा खेल रही थी, उन्होंने आपको हराया, ठीक है मैं मान लेता हूँ. आई फील लाइक 2023, ये नहीं, अभी जो हुआ है ना, जो ये हुआ है, द यूएसए लॉस पुट्स दिस इन द टॉप थ्री, राइट? वी एग्रीड, आई इवन थिंक दो इट्स मतलब यूएसए, इट्स यूएसए. हाँ, मेरी उम्र अब ज्यादा हो गई है तो इसलिए ये सच में इतनी गहराई से महसूस नहीं होते, बट हाँ, ये भी है. बात दूसरे के मतलब यू नो यू बिकॉज एक्चुअली आई वुड से कि अगेन यू कुड से कि ठीक है यार, यूएसए यू हैड वन बैड डे, पाकिस्तान हैज बैड डेज ऑल. आई मीन इट लिटरली लॉस्ट टू जिम्बाब्वे इन अ टूर्नामेंट, इट मेड द फाइनल, सो यू नो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. मगर कि आप अमेरिका से हारने के बाद इट्स नॉट लाइक कि यू शोड अगेंस्ट कैनेडा एंड आयरलैंड के ओ मैन वी आर ग्रेट टीम एंड दैट वाज बैड डेज, लाइक वो एक अपसेट था. मतलब कि आयरलैंड जो बिल्कुल बर्बाद, पता नहीं 26 पे 6 से वो कहाँ 106 तक टोटल ले आपसे, और खुद वो भी भी ये बहुत एक एक हिस्टोरिकली बुरी आयरलैंड की टीम है बाय द वे. ये एक स्ट्रगलिंग ट्रांजिशनल आयरलैंड टीम है जो इतनी अच्छी नहीं है, सो दिस उसके टेक्स अ खिलाफ आप सिल्वर, स्ट्रगल कर रहे हैं. दिस टेक्स अ सिल्वर. दिस टेक सिल्वर. ओके, आई एम गोना रन योर चो. सो दैट मीन्स दैट 2006 मे बी गोज टू ब्रॉन्ज, और फिर द ट्रिलोजी. व्हाट हैपेंस टू द ट्रिलोजी? ओके, सो आई विल से दिस टेक्स सिल्वर, ठीक है. 2024 T20 वर्ल्ड कप इज सिल्वर. आई अब थिंक व्हाट अबाउट द ट्वेंटी ट्रिलोजी एज अ सिक्सटीन होल, शुड वी पुट दैट एज अ होल एज ब्रॉन्ज मेडल, जॉइंट ब्रॉन्ज इट मेडल, द डिजर्व्स इट, इट डेफिनेटली डिजर्व्स इट ट्रिलोजी, क्योंकि द ट्रिलोजी मैं उस 2013 to 15. कहना चाहूंगा कि उस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट भी बैन थी, आपकी पीएसएल भी शुरू नहीं हुई थी, आपके मुल्क में यूट्यूब भी नहीं था. यार, इससे बड़ी इशू क्या हो सकती है? तो वो आप मतलब बताने का मकसद ये है कि उस वक्त जो एक एहसास था कि दुनिया पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुकी है, वो आपकी क्रिकेट टीम से लेके आपकी सोसाइटी से लेके आपकी हर जगह आपको वो फील हो रहा था. एंड आई वाज रियली बिटर स्वीट बिकॉज फाइनली मुझे मौका मिला था क्रिकेट शो के लिए लिखना या टीवी पे आके क्रिकेट शो करना, एंड द टीम वाज जस्ट एस, देयर्स नो अदर वे टू पुट इट. बट So, are you happy with this final rating? Wait, here we go. Number ओके, 1, 2007 World Cup ODI, गोल्ड. यस, Number 2, this 2024 T20 World Cup, सिल्वर. या, द करंट वन, ब्रॉन्ज शेयर्ड बिटवीन थ्री पार्टिसिपेंट्स, द ट्रिलॉजी वाह, 2013 टू 2015, एंड ऑनरेबल ये मेंशन फॉर नंबर 4, द मच अंडर अप्रिशिएटेड एंड मच अंडर हेटेड 2006 चैंपियंस ट्रॉफी. जिसके अंदर आपके वो प्लेयर्स, इज दिस द आल्सो वेयर दे वर किक्ड आउट फॉर फाइटिंग ईच अदर और दिस इज जस्ट नैंड्रल ओन? नो, दिस इज जस्ट नैंडोर. दे वर किक्ड आउट फॉर फाइटिंग ईच अदर. शोएब वाज किक्ड आउट अहेड ऑफ द 2007 T20 वर्ल्ड कप. ठीक है, नाइस आई थिंक, नाइस. आई डोंट इवन रिमेम्बर यार, लाइक शोएब के साथ तो थोड़ा सा मसला इधर उधर होता है, बट या आई थिंक आई कैन एग्री विद दैट. One day we should rank the trilogy itself also within like a subset of the rankings. We should rank the बट trilogy. वो ट्रिलेजी की आई थिंक इवन गॉडफादर भी उसका सही एनालॉजी नहीं, क्योंकि गॉडफादर में सब आपसे कहते हैं कि हाँ ठीक है पार्ट 3 अच्छा नहीं है ना, लाइक दिस हाँ इज हाँ that's true. समथिंग This एल्स, दिस इज Bourne, the Bourne trilogy, which हाँ is कि ये ऐसा है Bourne. कि ईच वन ऑफ देम इज सो अमेजिंगली यू नो एट दिस लेवल ऑफ पीक हॉरिबलनेस. एंड येट व्हाट्स क्रेजी है जो ये हम बात कर रहे हैं कि ऑल ऑफ देम अवॉइड लाइक योर रेगुलर मार्कर्स ऑफ लूजिंग टू पापुआ न्यू हाँ, गिनी और यूएस और व्हाटएवर, बट इन द ओन वेज दे वर, आई थिंक दिस वाज द मोस्ट डिमोरलाइजिंग पीरियड ऑफ आवर आई क्रिकेट. थिंक यू राइट अबाउट द डिमोरलाइजेशन, बिकॉज इस वक्त तो आपको लग रहा था कि यार किस, एंड यू नो उसमें कॉन्ट्रास्ट भी था कि आपकी रेड बॉल टीम जो थी वो एटलीस्ट यूएई में उसने फोर्ट्रेस बनाया हुआ था अपना ठीक ठाक, मगर आपकी वाइट बॉल टीम, और यू नो 2015 वर्ल्ड कप में एबी डिविलियर्स 360 डिग्री बैटिंग ला रहा था, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस था मिसबाह उल हक, बेस्ट लव्ड एक्रोनिम निकनेम इन दोस डेज ऑफ टुक टुक, यू नो मसूद काजी की एक थी,
peak Misbah kind of, you know, the Misbah fandom era. Yeah, I think you're right. You know, 2013 to 2015, like itna bura tha ki I had just like I wouldn't even watch Pakistan's matches. It was when I'm national mein tha, or all the sports mere us pe aa rahe the, so I was covering other sports. So I was happy to not watch because I wasn't missing anything. Like भाई like just think about it, the best performance out of these trilogy. Okay, South Africa को आपने हराया, ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था T20 वर्ल्ड कप में, बट what people remember is the Mahaprayas spell in a lost cause, really, from this trilogy. That tells you देखो how bad it was. दैट्स ए आई थिंक कि वही जो थोड़े से इसके हाई पॉइंट्स थे वो एंडेड अप कैरिंग यू फॉर लॉट फर्दर. बट मैं वही कहूंगा कि जैसे आप इस टूर्नामेंट में देखें वे यू हैव वेरी फ्यू लाइक अदर देन दैट मैच अगेंस्ट इंडिया जहां पे आपने यू बोल्ड ब्रिलियंटली अगेंस्ट द इंडियन बैटिंग लाइनअप और जो पे हम खुद भी डिस्कस कर चुके हैं कि शायद इतना नहीं अच्छा जितना उसका उसकी तारीफ होती है. बट उसके अलावा इस वर्ल्ड कप से ये बात भी सही हो गई कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्या बनने वाला है. लाइक यस यू मे बी वांट टू गेट मोर स्टेबिलिटी स्ट्रक्चरली बट आई जनरली फील द प्लेयर्स इन दिस नेशनल साइड मे बी नॉट द सेम 11 बट विद दिस स्क्वाड एंड सम स्टेबिलिटी आई थिंक कोई अच्छा कोच काफी कुछ कर सकता है इस टीम के साथ. मुझे इतना उससे ऊपर आई थिंक वो जो ट्रिलिजी वाला एरा था उसमें समझ नहीं आ रहा था कि अब पाकिस्तान क्रिकेट जाएगी कहाँ क्योंकि जो टेस्ट में भी आपकी अच्छी कारकर्दगी थी एंड इट वाज ग्रेट बट इट वाज आल्सो यू नो लाइक अ वेरी लिमिटेड टीम प्लेइंग. इट वाजंट लाइक अ डोमिनेंट पाकिस्तान हाँ नहीं स्क्वाड. नहीं इट वाज नॉट लिमिटेड रॉन्ग टीम दैट प्लेड वेल अबव इट्स पोटेंशियल टू गेट यू गुड रिजल्ट्स इन द लीस्ट एंड व्हिच जो मतलब बाकी दुनिया इग्नोर कर रहा है ना. मतलब किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा पाकिस्तान क्या कर रहा है यूएई में. और फिर जो ये व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वहां पे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर लेवल पे पाकिस्तान फेल्ट easily 15-20 years behind. Like it felt like as good as one of the weaker associate sides. मुझे at least वो अरसा तो इस एक्चुअली हम लोग गलत कह रहे हैं, हम लोग एक मिस कर रहे हैं. ये 2013 टू 2015 ट्रिलॉजी नहीं है, 2013 टू 2016, बिकॉज़ T20 वर्ल्ड कप भी 2016 ही में आया था. तो व्हाट डज सही दैट है बिकम? दैट बिकम्स अ फ्रेंचाइज क्वाड्रोलॉजी या क्वाड्रोलॉजी आई गेस, लाइक क्वाड्रेंट मार्वल फ्रेंचाइज, आई डोंट नो व्हाट इट इज. यू इट्स बी वन थिंग. आर हां, ऐसे ही कुछ है बेसिकली. सो या 2016 इंक्लूडेड इन दैट, एंड आई थिंक दैट इज अ फेयरली डिफरेंट. दैट आल्सो टेल्स यू के इस सेंचुरी में पाकिस्तान के बहुत सारे बुरे, बहुत ही बुरे आईसीसी टूर्नामेंट्स हो चुके. आई थिंक दैट्स टेलिंग अस समथिंग दैट वी रिफ्यूज टू बिलीव समटाइम्स, कि पाकिस्तान बेसिकली एक बहुत ही मीडियोकर क्रिकेट प्लेइंग नेशन इस सेंचुरी में रहा है, आई विच मीन अभी आई भी थिंक कि बिल्कुल. पाकिस्तान का अनदर ऑल्सो फैक्टर इज दैट अगर आप इसको ज्यादा लंबे स्ट्रेच पे ले जाएं एंड ऑब्वियसली यू नो आईसीसी टूर्नामेंट्स मोस्टली 21वीं सदी का ही एक वो है कि पहले से वर्ल्ड कप ही होता था और फिर दो और टूर्नामेंट्स आए. बट आई थिंक कि पाकिस्तान सिंस द लॉस ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एट होम इज अ रियली अंडररेटेड रीजन फॉर ऑल्सो वाई द टीम हैजंट फाउंड इट्स वे बैक. लाइक आई थिंक जब से PSL आई है तब से आपके पास टीम की कारकर्दगी भी थोड़ी बेहतर हुई है. बट आई थिंक हमारा नंबर वन रैंक वर्स्ट टूर्नामेंट ऑफ ऑल टाइम इज एक्चुअली बिफोर द लॉस ऑफ क्रिकेट, यस 2007. वे बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट्स एक्चुअली देखो अगर उसी स्क्वाड और उसी काइंड ऑफ जनरेशन देन मेक्स इट टू थ्री कंसेक्यूटिव सेमीफाइनल लाइक फाइनल विन एंड सेमीफाइनल इन द T20 वर्ल्ड कप दे मेक इट सेमीफाइनल ऑफ द ODI वर्ल्ड कप. सो यू नो लाइक इट वाज लाइक दैट वी हैड वन बैड टूर्नामेंट. आई थिंक पाकिस्तान इज ऑलवेज प्रोन टू हैविंग यू नो शॉक एग्जिट फ्रॉम टूर्नामेंट्स. बट आई थिंक यू नो फॉर 10 से लेके 17 तक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आपकी टीम कोई रन बना पाएगी. We had done a few like you know as we, you and I both said 2019 was still a Pakistan was a fun ODI side was हाँ pretty close to making it to the semi-finals and we had very good World T20 campaigns back तो yeah like I feel के that also coincides with the time when cricket is slowly becoming more and more being played at home again. तो ये एक caveat में जरूर add करना चाहूँगा. और पाकिस्तान ने अगर आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती होती तो फिर तो इट वुड हैव बीन लाइक ओ माय गॉड यू लाइक दैट इट वाज दैट एक्सेप्शन दैट फ्यूल्ड द मिथ अगेन बिकॉज़ वी वन दैट एट एन एब्सोल्युटली हॉरिबल टाइम
या बिल्कुल बिल्कुल वो उससे आप इंडिया से इतने जलील होके मैच आ रहे थे, एंड मुश्किलों से वो कैच ड्रॉप हुआ, ये हुआ हुआ करते यार, वो कराते आप कैच पहुंचे। ना ड्रॉप होता सेमी श्रीलंका के खिलाफ सेटी का तो यू वुडंट इवन हैव गॉटन देयर, यू नो, सो खुदा दैट हाफिज। टीम, आई थिंक दैट रीफाइज द मिथ फॉर पाकिस्तान सो मच, राइट, कि वो एक दफा फिर से भाई कहीं से भी आ सकते हैं। सो यू कैन नेवर काउंट दैट आउट, बट आई थिंक इफ दैट कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लेइंग एट होम एंड जस्ट नॉट बीइंग एज गुड एज द मिथ सजेस्ट means that Pakistan had a pretty horrible 21st century when it comes to ICC It's tournaments. very bad. Look up the results, folks. It's a very bad century for Pakistan cricket. Like, very That's bad been century. an hour plus of us crying about this, और यही हमारी आखिरी पैसे कमाने की उम्मीद है, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम के लिए खत्म हो चुका, आपकी दिलचस्पियां भी दूर हो जाएगी और हम वापस से चवनिया ठनिया कलेक्ट करते हुए आ जाएंगे। बट थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग एंड वी कैच यू अगेन नेक्स्ट वीक। टिल देन, बाय बाय।